वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इजी होते हुए बच्चे कुछ पॉइंट्स पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आज आपको इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करूंगा और साथ ही साथ बेटा एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बताऊं कि हेरोन्स फॉर्मूला किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के काम आता है। आप बोलोगे सर एरिया का तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है जिसको आप जानते भी हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप शुरू से यूज करते आए हैं। जैसे मैंने दो क्वेश्चन भी लिए हैं, जैसे आपको पता है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये बेस आप कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर आने वाला जो परपेंडिकुलर है आप उसको हाइट ले लेते हैं, ऐसे ही होता है बेटा। तो हाफ और बेस लगाते हैं 5 और हाइट ये, इस तरीके से आप बहुत आराम से एरिया निकाल लेते हो। इसमें भी देखा जाए तो बेस इसको ट्रीट करेंगे, जरूरी नहीं होता ट्राइंगल की नीचे वाली साइड ही बेस हो, नो ये वाली भी बेस हो सकती है अगर परपेंडिकुलर इसके ऊपर जा रहा है और हमें दिया हुआ है, हम इसको भी बेस और हाइट कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर हाफ और ये वाली लाइन बेस जिसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है, और ये वाली लाइन को हम हाइट मान लेते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा अगर मान लो तीनों साइड्स गिवन हो, ना हाइट ना गिवन हो, तो बेटा जब तीनों साइड्स गिवन हो तो हमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी। तो एक मैथमेटिशियन है जिनको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया बेटा एक सिटी है, कहां पे है ये, इजिप्ट में है। इजिप्ट में ये ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ जिसको हीरो कहते थे लोग, और इसने ये फॉर्मूला रेडी कर दिया और हमें दे दिया कि आपको क्या करना है, सिर्फ साइड उठा के इस फॉर्मूले में रखनी है। बेटा हमारा काम तो बहुत ही ईजी है, जिसने ये फॉर्मूला रेडी किया उसके कितने सालों की एफर्ट्स, मेहनत और कितना शार्प ब्रेन यूज किया होगा, गॉट इट। तो बेटा हमें ऐसे मैथमेटिशियंस का, मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, हमें ऐसे मैथमेटिशियंस को सैल्यूट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे बेटा फर्स्ट टाइम किसी ने कंप्यूटर बनाया, आज हमारे लिए उस कंप्यूटर की बदौलत हम कितना ईजी हो गया हमारा काम, गॉट इट। इसी तरह से बेटा मैथमेटिक्स के अंदर इसकी एक इन्वेंशन, एक फॉर्मूले से कितने आगे हमने मॉडल्स डेवलप किए होंगे और कितनी ही स्टडी उसके बेस पर हमने की होगी। तो बेटा आओ, तो ये एरिया कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब तीनों साइड्स गिवन हो, ये याद रखना है, अप्लाई करेंगे। आओ आपको क्वेश्चन करवाऊं। हाँ बेटा, आई वुड सजेस्ट अगर आप मेरे साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट करके अपने व्यूज जरूर दिया करो बेटे, बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में, लेकिन अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हमारे एफर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक स्लाइड है, एक पार्क पे, पार्क के सामने हम लगा देते हैं ना बेटा, नो एंट्री ऑफ डॉग्स एंड लाइक दैट, इसकी स्लाइड की ना एक साइड पे पेंट करके मैसेज लिखा हुआ है। बेटा कोई ये ज्यादा यूजफुल बात नहीं है, मैथमेटिकल इसमें कुछ नहीं है, मेन मैथमेटिकल अब यहां पे आया। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, थ्री साइड्स दी हुई और फिगर भी बनी हुई है, यानी एक ट्राइंगल है जिसकी ऑल थ्री साइड्स, एक साइड 11 है, एक 15 और एक 6, इसका मतलब जब तीनों साइड आ जाएं उसी टाइम आपके दिमाग में हेरोन्स फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम करते क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तीनों साइड्स को नेम दे देते हैं। पहली वाली साइड को ए कहना शुरू कर देंगे हम, सेकंड वाली साइड को हम बी कहना शुरू कर देंगे, और थर्ड वाली जो साइड होगी उसको हम सी कहना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आपको एक पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, बाउंड्री, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना आप, ये कितनी लंबी बाउंड्री है, कितनी लेंथ है इसकी, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। लेंथ कैसे निकलेगी, जब आप इसको, इसको और इसको प्लस करोगे, गॉट इट। ठीक है, तो यानी तीनों साइड्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। अब हम इस फॉर्मूले में जो हेरोन्स ने डेवलप किया, उस फॉर्मूले में हम सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब बेटा हाफ होता है, हाफ मतलब पेरीमीटर को आधा करना है। लो जी, पेरीमीटर और उसको हाफ। ठीक है, हम ये लिखते नहीं है, हम सीधा एस से जंप करके वो वाला लिखते हैं फॉर्मूला जो हमें याद है। पेरीमीटर कैसे निकाला हमने, जब तीनों साइड्स गिवन हो, पेरीमीटर की जगह हम उसका लिख देते हैं, भाई हमने तो ऐसे निकाला था तीनों साइड को, पेरीमीटर को हटा के ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या आ गया, टू, नीचे तो फॉर्मूले में टू है ही है। हम ये दोनों चीजें याद रखते हैं, इसको नहीं याद रखते। ठीक है, इसलिए एग्जाम में कई बार पेरीमीटर दिया होता है, हम इसमें भी रख के पेरीमीटर को टू से डिवाइड करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी। अब ए,
आपको कितना दे रखा है 11, बी कितना है बेटा 15 और सी कितना है 6 और नीचे तो 2 है ही है, जब आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट 32/2 विच इज 16। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा करने पर हमें 16 मिला। अपने आप को समझाते भी जाओ, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर नहीं एंटर कर जाना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स पेरीमीटर को आधा करके हमें 16 मिलता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिया गया था, आपको पता भी होगा बहुत से बच्चों को, एस एस माइनस ए एस माइनस बी अलग अलग ब्रैकेट में एस माइनस सी। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करो, ए का मतलब फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर में से यानी एस में से सेकंड साइड माइनस करो। अपने आप को समझाओ फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड माइनस करो, गॉट इट? जी थोड़े ना, एबीसी हमेशा कई बार एक्स वाई जेड हो सकता है, मान लो यहाँ पे स्टार मून और सन हो तब भी इस फॉर्मूले को लगाना हो, तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आओ इधर, अब देखें हम क्या करेंगे, एस एस की वैल्यू ढूंढो बेटा, एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, फिर ब्रैकेट, फिर S, S कितना है बेटा, S 16 माइनस 11, यानी क्या किया सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 6, यानी 16 में से 16 क्यों सेमी पेरीमीटर है, पहले वो लिख दिया, उसमें से 1/1 तीनों साइड को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में यूज किया। ठीक है बेटा, अब ये 16 एज इट इज रहने, तो जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे। 16 माइनस 11 करो, 5 आ गया। अब 16 के बाद सीधा ब्रैकेट था ना, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होना और बाहर वाला ही मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई लगा दो 16 माइनस 15 1, फिर मल्टीप्लाई लगा दो 16 माइनस 6 इज 10। अब हमारे को बहुत सारे अंदर नंबर मिल गए, अब आपको क्या करना होता है इनके फैक्टर्स, जैसे 16 है ठीक है, 16 के फैक्टर्स आप 2 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 ऐसे वाले फैक्टर करते हो ना बेटा, तो ये आप कर दो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, × 10 10 के फैक्टर 5 × 2। देखो आपको जब भी फैक्टर करने हैं ना, प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी यहां पे जो भी नंबर आप लोगे, कई बच्चे यहां पे 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, बेटे ये वाले नंबर यहां पे नहीं लेने होते, यहां कौन से नंबर लेने होते हैं जो प्राइम है, 2 3 5 7 11 13, प्राइम मतलब जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते, 13 देख लो किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में और 13 में ही आता है, तो ऐसे नंबर्स यहां पे लेने चाहिए, बच्चे मिस्टेक करते हैं तभी आपको बताया है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट के लिए पेयर बन जाए नंबर को बाहर निकालो, फिर पेयर बन गया 2 का फिर बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो, जिस जिसका पेयर बनता जाए बाहर निकालो, जिसका नहीं बना लास्ट में बच गया अकेला उसको अंदर ही रहने दो, रूट के अंदर ही 2 to the 4, 4 5 the 20, 20 root 2, और यूनिट जरूर लगाएं, हाफ मार्क तो यहीं पे बच्चे लूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे लास्ट में भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, बेटा कई क्वेश्चन के अंदर हमें रूट भी सॉल्व करने होते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि किन क्वेश्चन के अंदर हमें रूट सॉल्व करना होता है। ठीक है, और आओ अब अगर आपको ये मेथड समझ आ गया, तो बेटा एक क्वेश्चन दिया छोटा सा, ए बी और सी की वैल्यू दे दी, एरिया फाइंड करके मुझे कमेंट में बताओ, देखें आपको टॉपिक समझ आया या नहीं। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड।